पॉइंट ऑन टेंजेंट लाइन पैरेलल टू अनदर लाइन हमने क्या करना है टेंजेंट लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उसको फाइंड करना है जो कि किसी गिवन लाइन के पैरेलल हो तो टेंजेंट लाइन क्या होती है ऐसी लाइन होती है जो मिसाल के तौर पे ये कर्व है तो किसी भी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती हुई गुजरे उस लाइन को कहते हैं टेंजेंट लाइन तो आज की वीडियो में हमने इसी पॉइंट पी को फाइंड करना है जो कि कर्व के ऊपर भी लाई करता है और टेंजेंट लाइन के ऊपर भी लाई करता है तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे तो क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व वेर द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री हमने क्या करना है एक्स वाईक्वल टू ट्वेल्व जो कर्व है उसके ऊपर वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पे टेंजेंट लाइन है और वो टेंजेंट लाइन पैरेलल है इस लाइन के थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री तो हम यहां पे लिखते हैं सिंस द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन देयर स्लोप्स विल बी इक्वल यानी कि जब भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स हमेशा इक्वल होते हैं ये हम जानते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस लाइन में से स्लोप की वैल्यू फाइंड करेंगे इसके लिए लिखते हैं थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री यहां से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री थ्री एक्स को दूसरी तरफ ले गए यहाँ आके माइनस थ्री एक्स बन गया इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के तो यहां से जो x का कॉफिशेंट होता है वो स्लोप होता है तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप है माइनस थ्री और सेम यही स्लोप टेंजेंट लाइन का भी होगा तो टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करने का एक और तरीका भी होता है कि जिस कर्व के ऊपर वो लाइन टेंजेंट होती है उस कर्व का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व इस प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड सेकंड का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ़ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स इन एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सॉरी डेरिवेटिव दोनों तरफ लेना इक्वेशन के ट्वेल्व का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो ये इम्प्लीसिड डिफ्रेंशिएशन है यानी कि इसमें एक्स और वाई मिक्स था तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया अब हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए इसको सिंप्लीफाई करें एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई और डी एक्स बाई डी एक्स वन के इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो अब यहां से एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है ये इक्वल हो जाएगा माइनस वाई के और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा माइनस वाई ओवर जैसा कि हम जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स होता है ये इक्वल होता है स्लोप के स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन इज माइनस वाई ओवर एक्स जबकि ऊपर जब हमने फाइंड किया था तो वो आया था माइनस थ्री इसका मतलब माइनस वाई ओवर एक्स किसके इक्वल है माइनस थ्री के तो माइनस वाई ओवर एक्स माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी थ्री एक्स के इक्वल तो ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो उस गिवन कर्व के ऊपर टेंजेंट है अब हमने पॉइंट फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे मैंने पहले कहा था जैसे कि, कि वो पॉइंट कर्व के ऊपर भी लाई करेगा और इस लाइन के ऊपर भी लाई करेगा इसका मतलब हमने इस कर्व की इक्वेशन को और इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है यहाँ पे कर्व की इक्वेशन लिखते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू ट्वेल्व इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर वन और इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर टू अब हम क्या करेंगे इन दोनों को सॉल्व करेंगे आपस में सॉल्विंग वन एंड टू इक्वेशन वन और टू को आपस में सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से वाई की वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे पुट वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स इन इक्वेशन टू यानि कि इक्वेशन नंबर टू में हम वाई की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देते हैं तो ये आ जाएगा x इन टू 3x is equal to 12 3x square is equal to 12 और थ्री एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व थ्री एक्सर इज की वैल्यू ट्वेल्व इज इक्वल टू फोर इसका मतलब एक्स की क्या वैल्यू आ गई दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस टू अब एक्स की इन दो वैल्यूज को लेके हम वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे एक्स इक्वल टू प्लस टू और एक्स इक्वल टू माइनस टू को लेके तो जब एक्स इक्वल टू प्लस टू होगा तो वाई इज इक्वल टू थ्री इंटू प्लस टू और इसी तरह से यहाँ पे आएगा वाई इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस टू सो वाई इज इक्वल टू सिक्स और वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स तो जब एक्स इक्वल टू टू होगा तो वाई आ जाएगा सिक्स और अगर एक्स इक्वल टू माइनस टू है तो y आ जाएगा माइनस सिक्स सो पॉइंट्स क्या होंगे या तो टू सिक्स होगा या फिर माइनस टू सिक्स होगा ये वो पॉइंट है जो टेंजेंट लाइन और कर्व के ऊपर लाई करता है एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं एट वट पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर एक्स सॉरी यहल टू टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन अगेन हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जो ग्राफ के ऊपर और उस टेंजेंट लाइन के ऊपर लाई करता हो और वो टेंजेंट लाइन पैरल है इस गिवन लाइन के तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्लोप विल बी इक्वल क्योंकि ये पैरल है तो स्लोप इक्वल होंगे अगर हम इस इक्वेशन ऑफ लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने, लिखें तो यह आ जाएगा टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन यहाँ से वाई की वैल्यू निकालनी है तो वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है अब यहाँ से हम देखें तो ये स्लोप के इक्वल है तो m यहाँ पे इक्वल है टू के इसी तरह से हम इस ग्राफ से भी स्लोप फाइंड कर सकते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ग्राफ का d बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव इसका स्लोप फाइन कर लेते हैं अब यहां से डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आ जाएगा टू एक्स माइनस फोर और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आ जाएगा तो टू एक्स माइनस फोर डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल है जो कि स्लोप है उस टेंजेंट लाइन का जो इस कर्व के ऊपर है तो ये भी उस टेंजेंट लाइन का स्लोप है और ये भी स्लोप है तो इसका मतलब यहाँ पे एम की जगह पे हम टू पुट कर सकते हैं तो एम की जगह पे जब टू पुट करेंगे पुट एम इज इक्वल टू टू इन ए फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं कि ये इक्वेशन ए है तो यहाँ पे एम की जगह पे टू पुट कर दें तो ये आ जाएगा टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू टू यहां से x की वैल्यू निकालें टू एक्स इक्वल टू सिक्स और x आएगा थ्री के इक्वल अब हमें y की वैल्यू फाइन करनी है तो y की वैल्यू फाइन करने के लिए हम इस कर्व के अंदर इस वैल्यू को पुट कर देंगे कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव तो यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी सो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे थ्री स्क्वेयर माइनस फोर इंटू थ्री माइनस फाइव थ्री स्क्वेर इज नाइन माइनस ट्वेल्व माइनस फाइव तो ये इक्वल आएगा माइनस एट के वाई इज इक्वल टू माइनस एट सो वो पॉइंट क्या है वो पॉइंट है x इक्वल टू थ्री और वाइज इक्वल टू माइनस एट ये हमारे पास वो पॉइंट है जो कि उस कर्व और लाइन के ऊपर टेंजेंट लाइन के ऊपर लाई करता है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द पॉइंट इज तो इस तरह से अगर हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दी गई हो और ऐसी लाइन की इक्वेशन दी गई हो जो उस टेंजेंट लाइन के पैरल है तो हम वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड कर सकते हैं आज की वीडियो में हमने सीखा पॉइंट ऑन टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एन लाइन के बारे में